नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। काशीराम साहब का 37वां जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड में बुद्धा पब्लिक स्कूल में मनाया गया, जहां भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व प्रमुख रामनाथ रमन जी ने किया। अध्यक्षता सेवानिवृत्त चंदेसर राम ने किया। इस कार्यक्रम में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा काशीराम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से भारी संख्या में गणमान्य लोग शामिल थे। सेवानिवृत्त शिवशंकर राम, रामसुंदर राम, संजय राम बिहार, डॉक्टर हरेंद्र राम, सुधीर कुमार रमन, नरेश राम, रामनवमी नवीन, बसंत राम, लालबाबू राम, जगदेश राम, सुजीत कुमार, बसंत पासवान, राजू गौतम, शिवजी कुमार राम, इंदल पासवान, बिंदेश्वर राम, प्रत्युष राम, अनेक शिक्षकगण उपस्थित थे। थोड़ा सा भी ये गम नहीं हुआ कि हम मात्र 5 आदमी इकट्ठा हुए और वो 5 व्यक्ति मिलकर के धीरे 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 आज तो हम लोग को साधन सुविधा है, सब कुछ है, तुरंत कार्यक्रम बना हम लोग चले आए। इनके पास वो भी नहीं था जब ये नौकरी से रिजाइन दिए थे। ये साइकिल हमको लगता है कि हजारों किलोमीटर साइकिल चलाया इन्होंने। इनकी एक दर्द भरी गाथा, एक दिन की कहानी है। ठंडक का दिन था, काफी ठंडा था, इनके पास एक शर्ट और पैंट। इनको हुआ कि मैं गर्म कपड़े जाकर के खरीद लू, थोड़े से पैसे थे इनके पास। ये जब गए गर्म कपड़े खरीदने के लिए,